तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऊप्स, यानी आप ऊप्स पढ़ने के लिए किस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ऊप्स बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मेथोडोलॉजी होता है, जिसे कई बार हम लोग डबल ओपीएम भी कहते हैं और कई जगहों पे आपको ऊप्स भी मिलेगा। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऊप्स का हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स का कंसेप्ट आपको मिलेगा। उसमें आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, यानी ऊप्स का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, सी की बात करें, सी प्लस की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, हर एक जगह पे आपको ऊप्स का कंसेप्ट मिलेगा। तो अगर आपके सब्जेक्ट में ऊप्स पढ़ना है, यानी डबल ओपीएम अगर आपको पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा पर्सनली, और ये रिक्वेस्ट भी होगा कि आप ऊप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इस तरीके से पढ़िए कि आप मतलब उसमें एक एडवांस लेवल तक अपने नॉलेज को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऊप्स पढ़ रहे हैं तो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कीजिए, कोई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सी प्लस, जावा भी हो सकता है, जिसमें आपको ऊप्स के कंसेप्ट बताए गए हों, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप स्टार्ट कीजिए और उससे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके जो कोडिंग का प्रैक्टिस है उसमें भी आपको थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि नॉलेज होगी वो बिल्डअप होगी, और वो बेहद जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो जो गलतियां शायद हमने की थी वो आप ना करें, इसी के लिए ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। तो सबसे पहला गाइडेंस आपको क्या मिला कि आपको ऊप्स को स्टार्ट करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना है, और ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आपको सेमेस्टर क्लियर करना है, आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रेंड पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप अभी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऊप्स मैं बार बार इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये काफी कॉमन चीज है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो अगर एक बार आपने बेहतर से मेहनत कर ली ना, अच्छी तरीके से अगर आपने मेहनत कर लिया, तो आपके लिए जो आपके करियर होगा उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है ऊप्स का कंसेप्ट, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि एक बार मेहनत करना है, जी जान लगा के आप मेहनत कर लीजिए, अभी आपके पास वक्त है, समय है, क्योंकि जैसे जैसे सेमेस्टर बीतता जाएगा चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, आपके पास वक्त नहीं बचेगा उतना, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके कंसेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को बारीकी तरीके से, जिसमें इनहेरिटेंस आता है, इनकैप्सुलेशन आता है, पॉलीमर्फिज्म आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ऊप्स का जो वीडियो सीरीज है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अगर आप आरजीबीवी के स्टूडेंट हैं तो उसमें पूरा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद सॉल्यूशन, सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई है। प्लेलिस्ट को आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो ऊप्स का पूरा कंप्लीटली नोट्स है वो भी तैयार हो चुका है, और नोट्स भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेस किया और वो उन चीज का फायदा भी उठा रहा है। तो अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नोट्स का प्रोसीजर पता करके सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है, डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आप कॉन्टेक्ट करने की बेझिझक कोशिश कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, इस बात को आप मान के चलिए। और कोई सजेशन वगैरह है आपके लिए तो वो भी आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं फ्रेंड की ऊप्स का जो कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में इस चीज को समझ लेंगे, अगर अभी आप समझ लेंगे तो आपके पास पांच सेमेस्टर है। अब सोच लीजिए कि पांच सेमेस्टर में अगर एक ही चीज को आप रिपीट करते जाएंगे तो आप उस चीज में कितनी बड़े महारत हासिल करेंगे आप को इस चीज का अंदाजा नहीं है, इस बात को आप मान के चलिए। तो जो गलतियां हमने की थी वो आप ना करें, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको नॉलेज गेन करना है उसके अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कीजिए, उसको रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए और डेली बेसिस पे इसको पढ़िए फ्रेंड, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होने वाला है ऊप्स का जो कंसेप्ट है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए, लेकिन स्टार्ट जरूर कर दीजिए फ्रेंड। लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का इंतजार आप मत कीजिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार आपको एहसास होगा कि हाँ किसी ने आपको बताया था, किसी ने आपको गाइड किया था। तो कोई दिक्कत परेशानी होती है डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से ही। और एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं नोट्स को कंप्लीट करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, कोई भी दिक्कत परेशानी डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्टली आप कॉमेंट कीजिए, डायरेक्टली आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।